इस वीडियो में मैं आपको एक WhatsApp की टिप देने वाली हूँ। आज हम सीखेंगे कि WhatsApp की तस्वीरें और वीडियो अपने फोन पर कैसे छुपाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। पर सबसे पहले सवाल ये उठता है कि WhatsApp की तस्वीरें और वीडियो क्यों छुपाएं? इसकी क्या जरूरत है? देखिए, इसकी दो वजह हो सकती हैं। पहली है प्राइवेसी। हमारे फोन को कई लोग खोलते हैं और देखते हैं, और अक्सर घर वालों को तो हमारे फोन का पासवर्ड भी पता होता है। पर ये जरूरी नहीं कि हर चीज हर किसी के साथ शेयर की जाए, अपनी प्राइवेसी भी जरूरी है। दूसरी वजह हो सकती है सिक्योरिटी। अक्सर लोगों के फोन में सिक्योरिटी अच्छी नहीं होती और उनके मीडिया फोल्डर्स दूसरी एप्स या प्रोग्राम्स भी एक्सेस कर पाते हैं। ऐसे में कॉन्फिडेंशियल या निजी पिक्चर्स वीडियोस को सुरक्षित रखना जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है ES फाइल एक्सप्लोरर। यहाँ मैंने सैमसंग गैलेक्सी S3 का इस्तेमाल किया है जो एक एंड्रॉयड फोन है। आइए सीख लेते हैं कि WhatsApp पर पिक्चर्स और वीडियोस कैसे छुपाते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर पर क्लिक करके इसे खोल लिया। अब ऊपर टाइप कर लेते हैं ES फाइल एक्सप्लोरर। ये देखिए, ये ऐप आ गई। इधर क्लिक करके और इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देते हैं और अब एक्सेप्ट पर क्लिक किया। ये ऐप डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो रही है। ये काफी पॉपुलर ऐप है। आप देख सकते हैं कि इसके 100 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। और अब ओपन के बटन पर क्लिक किया। ये देखिए, ये ऐप इंस्टॉल हो गई और ये ऐप खुल गई। अब सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे WhatsApp में डेटा क्या है। ये देखिए, ये हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। ये देखिए, ये एक WhatsApp का फोल्डर है जो पहले से मेरे फोन में है। यहाँ पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मीडिया का फोल्डर है। यहाँ पर क्लिक किया, इधर आपको WhatsApp की ऑडियो फाइल्स, कॉल्स की डिटेल्स, इमेजेस, वीडियो वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ WhatsApp इमेजेस पर क्लिक करके पहले आपको दिखा देती हूँ कि मेरे WhatsApp के फोल्डर में बहुत सारी इमेजेस मौजूद हैं। वापस गए, ये देखिए, ये रहा WhatsApp वीडियो। इधर क्लिक किया तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वीडियोस मेरे WhatsApp के मीडिया फोल्डर में पहले से मौजूद हैं। अब सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि पूरा का पूरा फोल्डर, चाहे वो पिक्चर्स का हो या फिर वीडियो का, उसे कैसे छुपाते हैं। चलिए ये ऐप को खोल लेते हैं, ES फाइल एक्सप्लोरर। इधर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इमेजेस, म्यूजिक, मूवीज, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। तो हम यहाँ पर सर्च पर क्लिक करते हैं और WhatsApp खोज लेते हैं और ये WhatsApp का फोल्डर आ गया। अब आप यहाँ पर चाहें तो अपनी फोटोज या पूरे के पूरे फोटो के फोल्डर को ही छुपा सकते हैं। वो कैसे करेंगे, ये देखिए, ये आए हमारे WhatsApp इमेजेस। इधर हम क्लिक करके और इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर देखिए नीचे है रीनेम, रीनेम पर क्लिक किया। अब आप इस पूरे के पूरे फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, हम जो है इसके आगे W के आगे एक फुल स्टॉप लगा देते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो अब इस फोल्डर का नाम जो है ये बदल गया। अब हम रिफ्रेश पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, ये जो WhatsApp इमेजेस का फोल्डर था वो अब WhatsApp के फोल्डर में से गायब हो गया है। अब आपको वो वाला फोल्डर नहीं दिख रहा। तो इस प्रकार से आप अपने पूरे के पूरे फोल्डर को ही गायब कर सकते हैं। और अगर आपके फोन पर कोई जाता है और इमेजेस का फोल्डर देखने की कोशिश करता है तो उसे ये फोल्डर नहीं दिखेगा। ये फोल्डर मौजूद है लेकिन ये फोल्डर हिडन हो गया है, ये अब हमारे फोन में छुप गया है।
पर अगर यही हिडन फोल्डर या छुपा हुआ फोल्डर दोबारा देखना हो तो क्या करें? ये देखिए, ये ऊपर तीन पट्टियां हैं, इधर क्लिक किया और आप इधर नीचे जा सकते हैं स्क्रॉल करके टूल्स में, और टूल्स में आपको दिख जाएगा, इस टूल्स में आप नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो ये है शो हिडन फाइल्स। फिलहाल ये ऑफ है, अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो आपकी हिडन फाइल्स भी दिखना शुरू हो जाएंगी। अब वापस से सर्च कर लेते हैं व्हाट्सएप में। और सर्च पर क्लिक किया, आप यहां देख सकते हैं कि आपके व्हाट्सएप के फोल्डर में ये डॉट व्हाट्सएप भी दिख रहा है। आप चाहें तो आप यहां दोबारा क्लिक करके और इसे फिर से रीनेम कर सकते हैं, और इसका जो आगे का डॉट है उसे आप हटा करके और ओके पर क्लिक कर दीजिए, तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल फोल्डर की तरह हो जाएगा। उसके बाद रिफ्रेश का बटन दबाते हैं, ये आ गया हमारा व्हाट्सएप का फोल्डर, और इसके अंदर हमारी व्हाट्सएप की जो इमेजेस थी वो यहाँ पर आ गई हैं। ये देखिए, ये रहा व्हाट्सएप, इधर क्लिक किया और यहाँ पर हमारा मीडिया आ गया। ये रही हमारी व्हाट्सएप की इमेजेस, हमारी सारी की सारी इमेजेस वैसे ही इंटैक्ट हैं, बिल्कुल वहीं पर हैं जहाँ पर वो थी। पर अगर पूरे फोल्डर को ना छुपाना हो और सिर्फ दो या तीन चीज़ें ही प्राइवेट या गुप्त रखनी हो तो आप उन्हें इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे, आइए देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमने ऐप खोली और अब हम यहाँ पर कुछ खोज लेते हैं। चलिए हम सर्च पर क्लिक करते हैं और ऊपर टाइप कर लेते हैं व्हाट्सएप, इसे खोल लिया, ये रहा व्हाट्सएप का फोल्डर, इधर क्लिक किया, ये रहा हमारा मीडिया फोल्डर और यहाँ पर हमारी व्हाट्सएप की इमेजेस हैं। हम इधर जाते हैं। अब मान लीजिए कि हमें एक ही फोटो छुपानी है, तो जैसे कि ये वाली इमेज हुई, इस पर क्लिक किया, ये है गैलरी में, ये वाली जो इमेज है अंकुर भट्ट की, मुझे इसे छुपाना है। कैसे छुपाएंगे? ये वापस गए व्हाट्सएप इमेजेस में और इस पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लिया, और अब ये नीचे है मोर, मोर पर क्लिक किया। आप चाहें तो आप इस इमेज को इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये है एनक्रिप्ट, इस पर क्लिक करके, और अब आप यहाँ पर अपना मनपसंद पासवर्ड चुन सकते हैं। चलिए मैं कोई पासवर्ड चुन लेती हूँ, जैसे कि 123, और फिर उसी पासवर्ड को दोबारा टाइप कर लेती हूँ 123 और ओके पर क्लिक कर देती हूँ। तो ये देखिए, अगर आपका व्हाट्सएप का इमेजेस का फोल्डर कोई भी खोलेगा तो उसे ये इमेज इस प्रकार से इनक्रिप्टेड दिखेगी, और जब वो उस पर क्लिक करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें पासवर्ड डालना होगा। बिना पासवर्ड के ये इमेज नहीं दिखेगी, इसका थंबनेल भी नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार से आप अगर चाहें तो आप एक या एक से अधिक इमेजेस या वीडियोस को एनक्रिप्ट कर सकते हैं, उन्हें पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये रहा मीडिया फोल्डर, मीडिया फोल्डर में ये रहा व्हाट्सएप वीडियो, ये वीडियो खोल लिया। अब हम कोई वीडियो चुन लेते हैं जिसे हमें पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, इस पर हम जोर से क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर मोर पर क्लिक किया, और मोर के बाद ये एनक्रिप्ट पर क्लिक कर दिया। वापस से पासवर्ड चुन लेते हैं, उसी पासवर्ड को दोबारा टाइप किया 123 और ओके के बटन पर क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये वीडियो जो है, इधर इसके ऊपर एक ताला आ गया है और इस वीडियो का ना थंबनेल दिखेगा और ना ही इसे कोई बिना पासवर्ड के खोल पाएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी प्राइवेसी को और अपनी सिक्योरिटी को अपने हाथों में ले सकते हैं, और आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी
जिसके पास आपका फ़ोन आएगा, कोई भी आपके निजी फोटोज़ या कॉन्फिडेंशियल वीडियोस देख नहीं पाएगा। ये एक बहुत ही यूज़फुल ऐप है जिसे कोई भी बस कुछ ही मिनट्स में आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। ये हैं हमारे कुछ और पॉपुलर वीडियोस। स्क्रीन पर क्लिक करके आज कुछ नया सीख लीजिए। आपके कमेंट्स, सवाल और सुझाव मैं रोज़ पढ़ती हूँ, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने सीख लिया है कि WhatsApp की तस्वीरें और वीडियो फ़ोन पर कैसे छुपाते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।